हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोल्ट आईओटी की ट्रेनिंग किट की। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के टेक्निकल वीडियोस हम अपने चैनल पे लाते ही रहते हैं रेगुलरली, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। ये ट्रेनिंग किट है जो बोल्ट आईओटी प्रोवाइड करता है, तो इसमें आपको कुछ बोर्ड्स मिलेंगे, कुछ पेरिफेरल्स मिलेगा और साथ ही में आपको ट्रेनिंग का एक्सेस मिलेगा। अगर आप स्क्रीन पे दिखाए इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ्लैट 80% डिस्काउंट भी मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रेनिंग आपको किट के साथ कितने की पड़ती है, 9600 रुपीज़ की। तो 9600 रुपीज़ की ये ट्रेनिंग प्लस आईओटी की किट आपको पड़ेगी, और अगर आप डिस्काउंट कूपन लगा देते हैं तो आपको सिर्फ हार्डवेयर का पैसा देना होगा जो है आपका 2750 ओनली, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 6850 का। तो दोस्तों, इसकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी है और अब हम सीधे जाते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। अनबॉक्सिंग में देखते हैं क्या इसमें निकलता है। उससे पहले अगर आप लोग को नहीं पता है कि ये आईओटी क्या होता है, बोल्ट आईओटी क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बोल्ट आईओटी हमारा इंडिया का स्टार्टअप है जो स्टूडेंट्स को और जो हॉबिस्ट रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, उनको आईओटी को एक्सप्लोर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये आपको एक हार्डवेयर देते हैं और इनका एक सॉफ्टवेयर भी रहता है जिसे हम क्लाउड सर्वर भी कहते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, जब सारी चीज़ें, एग्जाम्पल आपका फैन, एसी, कोई भी सेंसर जब इंटरनेट से जुड़ जाता है तो हम उसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चीज़ों से बना हुआ इंटरनेट। अब चीज़ों से बना हुआ इंटरनेट से आप कर क्या सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आप एक जगह बैठे और दूसरी जगह कहीं भी वो दुनिया में आपके डिवाइस रखा हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं या तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो आईओटी जो है आज की रीसेंट टेक्नोलॉजी है जिसका बहुत ही ज़्यादा बूम आया हुआ है और आपको इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और आइए अब सीधे चलते हैं हम अनबॉक्सिंग की तरफ। दोस्तों, तो इस प्रकार की कुछ पैकेजिंग के साथ ये डिलीवर होगा आपको। इसकी कॉस्ट आपको 2750 रुपीज़ पड़ेगी अगर आप मेरा दिया हुआ डिस्काउंट कूपन यूज करते हैं। अब देखिए, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं। तो ये एक हमको मिला है डेटा केबल वाला एक बॉक्स, फिर एक अलग से बॉक्स मिला है, और देख लेते हैं क्या मिलता है इसके अंदर। ये एक मिला है कि आप किस प्रकार से ट्रेनिंग को एक्सेस कर सकते हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन की है, मैं दिखा देता हूँ आपको सामने से। इन्होंने बोला है कि इसके साथ आप फोटो खिंचा के बोल्ट आईओटी हैशटैग का यूज़ करके आप इंस्टा या FB में पोस्ट कर सकते हैं, और इस QR कोड को स्कैन करके आप ट्रेनिंग को एक्सेस कर लेंगे। जब आप ट्रेनिंग को एक्सेस करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाती है, फिर इस वेबसाइट में जाके आप ट्रेनिंग एक्सेस कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं इस पॉलिथिन के अंदर क्या क्या हमको मिल रहा है टोटल। सारा सामान मैं निकाल लेता हूँ। दोस्तों, इसमें हमें तीन चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले ये आपको ब्रेडबोर्ड मिला है, मिनी ब्रेडबोर्ड 70 पॉइंट्स का, 70 होल्स है इसमें, इसलिए इसको 70 पॉइंट्स का ब्रेडबोर्ड कहा जाता है। इसमें आप कंपोनेंट्स को लगा सकते हैं, अपने सर्किट को टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको सोल्डरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप सोल्डर लेस प्रोजेक्ट बोर्ड भी कह सकते हैं। तो ये हमको मिलता है, जो भी आपकी टेस्टिंग करनी है इस सर्किट में टेस्ट करिए, कोड डालिए और देखिए किस प्रकार से आईओटी के प्रोग्राम्स रन करते हैं। हमारे बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए हमें एक USB केबल मिली है, तो इसमें एक साइड है USB और दूसरे साइड है माइक्रो USB, तो एक आपके PC में चला जाएगा और दूसरा आपके हार्डवेयर बोर्ड में। फिर कुछ पेरिफेरल्स जो LED सेंसर है, इनको कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ जंपर वायर्स मिले हैं, मेल टू मेल तीन जंपर वायर्स हैं मोर प्रिसाइसली। तो ये इसको मैं अलग कर देता हूँ। अब हम देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या मिलता है, क्योंकि इसी में हमारा आईओटी का बोर्ड है। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें एक बोल्ट आईओटी का हार्डवेयर बोर्ड देखने को मिल रहा है सामने ही। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। ऐसा कुछ अलग से नहीं लिखा है बॉक्स में। अब इसको हम ओपन करें अगर, तो क्या मिलता है ये आप देख सकते हैं, एक हार्डवेयर बोर्ड हमें मिल रहा है जिसमें बोल्ट की वाटर मार्किंग है। इसको इस प्रकार से होल्ड करिएगा दोस्तों, वरना स्टैटिक के कारण आपका बोर्ड खराब भी हो सकता है, इसलिए इसको होल्ड करने का यही तरीका है। इसमें आप देख सकते हैं सामने USB पोर्ट आपको दिख रहा है,
और अगर मैं इसे पलटाऊंगा तो ये ESP8266 IC पे बेस्ड है, ये हमारा वाईफाई मॉड्यूल है। इस प्रकार के बहुत बोर्ड अवेलेबल हैं, जैसे नोड MCU यूज कर सकते हैं आप, VMOS मिनी, और ये माइक्रो USB केबल को कनेक्ट करके इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। इसके अंदर भी कुछ हमें मटेरियल्स मिलते हैं, अब हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या मटेरियल्स मिलता है। तो इसमें आपको मिलेगा एक बजर, 5 वोल्ट का बजर, ये 5 वोल्ट का बजर है, और इसमें आपको दो LED मिलेगी। अभी हमने कलर चेक नहीं किया है कौन से कलर की है, आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं बाकी। फिर ये आपको 330 ओम के 3 रेजिस्टर्स मिलेंगे ये LED को चलाने के लिए। फिर आपको एक सेंसर मिलेगा, लाइट सेंसर, जिसे लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर भी कहा जाता है, LDR। फिर इसके बाद आपको एक पुश बटन मिलेगी, मोमेंट्री पुश बटन, टेक्टाइल पुश बटन नाम से भी इसे आप जानते हैं। तो ये इस साथ ही में इसमें आपको M35 टेम्परेचर सेंसर मिलेगा। तो ये मटेरियल्स हमें छोटे वाले बॉक्स के अंदर से मिला था, बड़े वाली पॉलिथिन के अंदर से डेटा केबल, जम्पर, वायर्स, और अलग बॉक्स में हमको मिला था बोल्ट का हार्डवेयर बोर्ड और ब्रेडबोर्ड। तो टोटल आइटम्स आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बोल्ट की ट्रेनिंग किट से प्रोवाइड होती है। साथ ही में हम देखें तो इन्होंने कुछ स्टिकर्स दिया था जो आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी ब्रांडिंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बोल्ट IoT प्लेटफॉर्म में, ट्रेनिंग किट में आपको मिलती है। साथ ही में आपको एक QR कोड मिलता है जिससे आप ट्रेनिंग एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं इस पर एक फुल ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड।